कहाँ है इस संसार की जन्नत, क्यों आज तक कोई नहीं पहुंच पाया कैलाश पर्वत? भगवान शिव के घर पर क्यों नहीं दी किसी ने भी दस्तक? कैलाश पर जाने वाला हर इंसान क्यों हो जाता है खत्म? आखिर क्या है ऐसा कैलाश पर जहां चाह कर भी कोई नहीं पहुंच पाता? बड़े से बड़ा जाबाज भी पड़ जाता है ढीला कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के नाम से। बौद्ध के किस संत ने रखा था कैलाश पर्वत पर कदम? क्या है कैलाश पर्वत की चोटी पर? क्या वास्तव में भगवान शिव रोक देते हैं लोगों को अपने पास पहुंचने तक? क्या सच में हम सब इंसान इस समय नरक में मौजूद हैं? भगवान शिव के कैलाश पर्वत के ऊपर क्या सच में बसता है स्वर्ग? आखिर इस धरती पर कितने कैलाश मौजूद हैं? क्या है भगवान शिव से जुड़े कैलाश पर्वत का असली रहस्य? जानेंगे आज इस वीडियो में, तो चलिए देखिए हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुनिया की वह जगह जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुँच पाया है, आज इस संसार में सिर्फ एक ही ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर अगर गलती से भी कोई पहुँच गया तो न जाने इस दुनिया में क्या संकट आ सकता है। आज भले ही चीन ने नकली सूरज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन आज वह चीन भी कैलाश मानसरोवर पर नहीं पहुंच पाया है। अक्सर लोगों को आपने भगवान शिव के कैलाश पर्वत में ओम या फिर डमरू की आवाजें आने का दावा करते हुए तो सुना ही होगा, जहां पर कई बार भगवान शिव का प्रतिरूप दिखने को भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक बने हुए भी नजर आते हैं, तो वहीं कई बार कैलाश मानसरोवर के विशाल पर्वत पर चमकती हुई एक अद्भुत शक्ति भी लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अगर कभी भी कैलाश पर्वत पर जाने की गुस्ताखी किसी ने भी की तो भगवान शिव स्वयं उसका विनाश कर देते हैं। आज तक किसी भी इंसान ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई को पूरा नहीं किया है, और जो भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए पहुँचता है वह सिर्फ और सिर्फ मौत के घाट ही उतरता है। अगर गलती से भी कोई इंसान कैलाश की चोटी को पार किए बिना ही वापस आ जाता है तो वह भी इस धरती पर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए ही खास है तो भी आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आज भगवान शिव का घर माना जाने वाला कैलाश पर्वत बुद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी उतना ही खास है जितना कि भगवान शिव के भक्तों यानी कि हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म के कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और बच्चों गणेश व कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। महाकाव्य रामायण में भी यह कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव के प्रतिशोध के रूप में कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद रावण के हाथ भी कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गए थे। इसके अलावा हिंदू धर्म में महाभारत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मुक्ति के मार्ग पर चढ़ाई करते हुए कैलाश पर्वत के शिखर पर ही पहुंचे थे। जैन शास्त्रों के अनुसार अष्टपद यानी कि कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष को प्राप्त किया था। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि ऋषभदेव के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती ने वहां 24 तीर्थंकरों के 3 स्तूप और 24 मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें उनकी मूर्तियों को कीमती पत्थरों से जड़ा गया है और इनका नाम सिंहनिधा रखा गया था। जैन परंपरा में 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर को उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता त्रिशला को गहरी नींद में डालने के बाद मेरु के शिखर पर ले जाया गया था। वहाँ उनका स्नान किया गया था और बहुमूल्य कार्यों से उनका अभिषेक भी किया गया था। कैलाश पर्वत को बौद्ध ग्रंथों में मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने ब्रह्मांड विज्ञान का केंद्र भी माना जाता है और कुछ बौद्ध परंपराओं के रूप में भी कैलाश पर्वत को एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। वज्रयान बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत बुद्ध चक्रसावर का घर है जो कि सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। आज तक सिर्फ एक ही इंसान कैलाश पर्वत पर पहुँच पाया है जो कि कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के ही एक संत है जिनका नाम मिलारेपा है। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा वज्रयान के चैंपियन तिब्बत के वॉन धर्म के चैंपियन नारो वोनचुंग को चुनौती देने के लिए तिब्बत पहुंचे थे। दोनों जादूगर एक भयानक जादूगरनी की लड़ाई में लगे हुए थे, लेकिन दोनों में से कोई भी निर्णायक लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं था। अंत में यह सहमति हुई कि जो कोई भी सबसे पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। जब नारो वोनचुंग जादू के ड्रम पर बैठे और ढलान पर चढ़ गए, मिलारेपा के अनुयायी उन्हें शांत बैठे और ध्यान करते हुए देखकर दंग रह गए थे। फिर भी
ठीक जब नारो वांचुंग लगभग शीर्ष पर पहुंच गया था, तब मिलारेपा ने अचानक हरकत में आकर सूरज की रोशनी में सवार होकर उसे पछाड़कर प्रतियोगिता को जीत लिया था, जिसके बाद आज तक कभी भी कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि जब एक बार चीन ने जबरन कैलाश पर्वत पर अपने हेलीकॉप्टर के जरिए जाने की कोशिश की थी, तो भी वह उसमें सफल नहीं हो पाया था। उस समय कुछ ऊंचाई पर जाते ही मौसम और कुदरत ने अपना कुछ इस तरह से खतरनाक असर दिखाया कि चाइना के हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना पड़ा था। इस पूरी दुनिया में भगवान शिव के लिए माने जाने वाले 5 कैलाश मौजूद हैं, जिन्हें पंच कैलाश तीर्थ कहा जाता है। एकमात्र कैलाश मानसरोवर ही ऐसा है जो कि चाइना के कब्जे में है और लोगों को वहां जाने के लिए चाइना का वीजा लेना पड़ता है। लेकिन आज भी हिंदू धर्म के 4 और कैलाश भारत में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, जो कि किन्नर कैलाश के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव का एक शिवलिंग मौजूद है, जो कि 79 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के लिए ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग बार बार रंग बदलता है। भगवान शिव से जुड़ा एक कैलाश श्रीखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो कि हिमाचल में ही मौजूद है। कैलाश के इस चोटी के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां पर भगवान विष्णु ने भस्मासुर को नृत्य के लिए राजी किया था, और नृत्य के दौरान ही भस्मासुर ने अपने हाथ को अपने सर पर रख दिया था और वह भस्म हो गया था। अगला कैलाश भी हिमाचल में ही स्थित है, जिसे मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस जगह पर एक मणि के रूप में अपने दर्शन देते हैं। अगर अब बात करें पंच कैलाश के अगले कैलाश की, तो वह आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। चाइना की सीमा में आने वाले कैलाश पर्वत के बाद अगर किसी कैलाश को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, तो वह आदि कैलाश ही है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने इसी जगह पर विराम किया था। भले ही आज हम इन सब बातों को ग्रंथों से पढ़ते हैं या फिर कथाओं में भी सुनते होंगे, लेकिन आज भी इन चीजों का मानव पर विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाया है, और ना ही तब तक कोई भी इंसान उस कैलाश पर्वत पर पहुंच पाएगा जहां पर आज भी भगवान शिव का बसेरा है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग है और धरती के नीचे नरक लोक है। जो लोग इस धरती पर रहते हैं वह सब नरकवासी हैं, यानी कि हम सब आज नरक में मौजूद हैं। वह सिर्फ भगवान शिव का ही क्रोध है जो कि नरक में रहने वाले लोगों को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता है। और फिर अब इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता कि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता, तब तक किसी को भी स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है। अब ऐसे में अगर जबरन कोई भी इंसान स्वर्ग यानी कि कैलाश पर्वत जाने की कोशिश करेगा, तो उसे भगवान शिव का गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा। आखिर आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका कैलाश पर्वत को लेकर क्या विचार है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।